बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। हाँ, मैं अपने लोगों के बीच हूँ, अपने फैमिली के बीच हूँ, तो खुश नहीं होंगे तो कहाँ खुश होंगे। खाने की तैयारी तो यहाँ पूरी है, पंजाब की खुशबू यहाँ नजर आ रही है। वो पंजाबी खाना नहीं खाएंगे तो कौन खाऊगा। और सनी जी बोलते हैं ना, पंजाबियाँ दी शान वखरी, और पंजाबी खाने में भी वही स्वाद होता है जो, और मुझे लगता है और किसी के जीन में। आप दुनिया में कहीं खाना खाने चले जाएं, अगर आप पंजाबी है ना तो दिल यही खाने का करता है। क्या क्या है मेन्यू भी देखते हैं यहाँ पे, क्या क्या है। वैसे आपका पसंदीदा अगर मैं पूछूं खाना क्या है? घर का खाना सीधा, दाल, एक दाल, एक सब्जी, दही, दो फुलके, बस बस हो गया। तो अब यहाँ से हम शुरुआत, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। और देखिए, खासकर हम यहाँ पर देख रहे हैं बाजरे की रोटी, जो कि हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, और मक्के की रोटी। यस, हर खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, तो एक बहुत बड़ी बात, आपका जो शरीर है, इट्स अ मिरेकल। अच्छा, आपकी कोई फूड प्रेफरेंसेस है घर का खाना में भी, जैसे ब्रेकफास्ट में? तो ऐसी आदत हो गई है, लोग बोलते हैं हम खाते नहीं, मैं तो लौकी खाता हूँ। नहीं, मैं भी खाती हूँ, आई लाइक। सबसे सही सब्जी है वो, बिल्कुल। और अगर आप शूट पर होते हैं, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, तब आप कैसे अपने डाइट का ख्याल रखते हैं? अक्सर मेरे साथ कोई होता है जिसको मैं लेके चलता हूँ, बिकॉज मुझे होटल का खाना खाना नहीं होता। मैं तो अक्सर क्या करता हूँ, मैं जहाँ भी होता हूँ किसी के घर में घुस जाता हूँ, उनको बताता नहीं। अच्छा? बताऊंगा तो वो बड़ा अच्छा अजीब और खाना बनाएंगे, तो मैं खाना नहीं चाहता, मैं खाना चाहता जो उस वक्त उन्होंने बनाया। यानी आप किसी एरिया में शूट कर रहे हो तो वहाँ के लोग सतर्क हो जाएं कि सनी देओल कभी भी आएंगे और घर का खाना मांगेंगे। हाँ हाँ, मैं ऐसे तक जाके, और बेचारे लोग जो भी होता है, मैंने थोड़ी ना इतना खाना है, लेकिन वो जो पैलेट होता है, वो जो स्वाद होता है, वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल। सनी जी, थोड़ी गदर की भी बात कर लेते हैं। सीक्वल की तैयारी क्या उसी वक्त से प्लान हो गया था कि हाँ कुछ वक्त के बाद सीक्वल लाया जाएगा, या ये एकदम रैंडम हुआ? गदर जब हमने की थी, हमें नहीं पता था गदर मचा गई थी, और गदर ने ऐसा गदर मचाया कि लोगों के दिलों में ऐसे बस गई है कि वो हमें मजबूर कर रही थी कि इसको आगे लेके चलो। लेकिन मैं डरता था कि वो एक ऐसी कंप्लीट कहानी है कि उसके साथ उसके बाद दूसरी चीज़ लाएँ, वो उससे मैच नहीं कर पाएगी। और दो दशक का इंतज़ार कराया आप लोगों ने। फिर कोविड के टाइम वक्त ही वक्त आया, तो राइटर और डायरेक्टर साहब उन लोगों ने कुछ मुझे आइडिया सुनाया, और फिर दो साल थे उसके अंदर उन्होंने डेवलप किया जो हम पेश कर रहे हैं, और कहानी उसी की कंटिन्यूशन है। okay. वो हमारी 1945 और 50-55 तक थी। ये हमारी 1971 की कहानी है। सेम फैमिली, सेम तारा सिंह, सेम पठानकोट, सेम ट्रक ड्राइवर, सब कुछ होते, बट इस बार 71 की जो वॉर का माहौल था उसके बीच की कहानी है। लेकिन आप पंजाबियों के सुपर हीरो हैं। मतलब जड़ा मैनू नहीं, जड़े तारा सिंह में प्यार करता हूँ, सुपर हीरो। असी तो अनु बहुत प्यार कर दिया। आइए देखते हैं और क्या क्या है। कश्मीरी चिकन है, जलेबी है, और इस सबका मज़ा हम लेंगे। यंग जनरेशन की जो फिटनेस की, अब हम देख रहे हैं उनका जो फिटनेस रिजीमे है, या द वे दे यू नो कीप देयर सेल्फ, कभी कीटो डाइट है, कभी ये है, कभी वो है, आपके समय से और अब के समय में बहुत अंतर आ गया है। फिटनेस को लेकर लोग बहुत ज़्यादा जागरूक भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने की तरह नहीं कर रहे हैं। बात पुराना नया ज़माना नहीं है, बात आजकल हर चीज़ मार्केटेड हो गई है, एवरीथिंग इज़ अ फैशन। तो बच्चे लोग फैशन के गुलाम हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज दे एंजॉय इट। द रीज़न इज़ नॉट दैट आई डू एक्सरसाइज, आई प्ले, इट्स बिकॉज इट गिव्स मी अ किक, आई फील हैप्पी। आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर। मैं तो एक्टर हूं, मैं एक्टिंग करने आया हूं। एंड एक्टर्स जॉब इज टू एक्ट डिफरेंट कैरेक्टर्स, नॉट टू मैं जब देखो नाचते रहे। I have nothing against anyone because it's entertainment and entertainment is for everyone. So there are certain youngsters who prefer that entertainment. So then they have those kind of things which are happening. But I feel acting is an art which needs to encourage other, the people who are deep rooted in it should get the opportunity also. But सनी जी, फाइव में आज की रोल्स के हिसाब से भी लोग जो हैं वो अपने शरीर को ढाल लेते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, कभी वजन बढ़ा लेते हैं, वो कर लेते हैं बिकॉज तरीके हैं, लेकिन उसका सोल कैसे लेकर आएंगे कैरेक्टर में, वो उसका तरीका तो कोई नहीं है ना, वो तो आदमी को अंदर खुद ऐसा नाके अंदर से कलर से निकालना पड़ता है। रिफा में आज सनी जी, आप जैसे यू आर क्वाइट फैमिली ओरिएंटेड ऑल्सो, आप अपनी फैमिली को भी वक्त देते हैं, आप जब एक्टिंग करते हैं आपका बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, एंड उसके साथ आपका एक और रोल है जिसमें जनता आपको बहुत प्यार करती है एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, तो आप ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? क्या मुश्किल होता है आपके लिए सब किरदार एक साथ निभाने, चैलेंजिंग हो जाता है? आई थिंक द चैलेंजिंग थिंग इज द वे ऑफ लाइफ, बेसिकली पता चलता है आपकी कैपेसिटी क्या है।
और एक्सपीरियंस होता, पता चलता दुनिया है क्या असल में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा।